अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू रेसिपी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज मैं बनाने जा रही हूँ यम्मी मिनी कपकेक्स। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें मैदा आपने 1 कप, चीनी 1 कप, ऑयल 1/2 कप, कोको पाउडर 2 खाने के चम्मच, अंडे 2 अदद, दूध 1/2 कप, वनीला एसेंस 1 टीस्पून और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। यहाँ ले लिया मैंने एक बाउल और इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 अंडे। अंडे ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पे बीटर की मदद से इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे। अंडे हमारे बीट हो रहे हैं यहीं पे। अब आपने साथ साथ थोड़ी थोड़ी चीनी ऐड करना शुरू कर देनी है। यहाँ मैंने जो बची चीनी थी वो भी ऐड कर दी है और अब फिर से अच्छे तरीके से इनको बीट करूँगी। ये देखिए हमारे अंडे और चीनी अच्छे तरीके से बीट हो चुके हैं। यहाँ अब मैं ऐड करूँगी ऑयल 1/2 कप। ऑयल 1/2 कप ऐड करने के बाद फिर आपने इसको बीट करना है अच्छे तरीके से और यहाँ पे बचा हुआ भी ऑयल डाल देंगे। तकरीबन 3 हिस्सों में आपने ऑयल ऐड करना है और साथ साथ बीटर आपने नहीं रोकना, इसको बीट करते जाना है। जितना अच्छा आप बीट करेंगे उतने ही आपके अच्छे मिनी कपकेक्स बनेंगे। और यहीं मैंने ऐड कर दिया है 1/2 कप दूध। दूसरी तरफ मैंने ले लिया था एक बाउल और उसमें रख ली थी छन्नी। छन्नी में मैंने डाल लिया था 1 कप जो मैंने मैदा लिया था वो, और 1 टीस्पून जो मैंने बेकिंग पाउडर लिया था वो। अब इन दोनों चीज़ों को मैं 3 मरतबा छान लूँगी, यानी आपने छन्नी में डालना है और 3 दफ़ा इनको छानना है। दूसरी तरफ ये हमारा बैटर भी तकरीबन बीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी इसमें उस बैटर को, और यहीं आपने थोड़ा सा जो 1 टीस्पून वनीला एसेंस है वो भी ऐड कर देना है। ये देखिए बैटर हमारा बनके रेडी हो चुका है। आपने स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। गोल गोल आपने राउंड शेप में इसको मोल्ड करना है ताकि कोई लम्स ना रहें। तो व्यूअर्स, बैटर हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपने ले लेना है 3 एक ही साइज़ के बाउल। ये बैटर आप देख सकते हैं कितना फ्लफी सा हमारा बैटर बना है। इसी तरीके से आपने बैटर बनाना है जिस तरह से मैंने आपको बताया है, तो आपके बहुत अच्छे और सॉफ्ट कपकेक बनेंगे। ठीक है, 3 एक साइज़ के बाउल ले लेने हैं और इनमें इक्वल आपने ये बैटर निकाल लेना है। तो यहाँ मैंने बाउल्स में बैटर निकालने के बाद अब एक में हम फूड कलर ऐड करेंगे, येलो फूड कलर, और एक में मैं करूँगी जो कोको पाउडर मैंने 2 खाने के चम्मच लिए थे वो ऐड। यहाँ अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है कोको पाउडर वाले को। यहाँ अगर आपको लगे कि हमारा बैटर ज़्यादा थिक हो गया है तो वहाँ आपने 3 से 4 चम्मच इसमें दूध के ऐड कर लेने हैं। आपने ज़्यादा थिक बैटर नहीं बनाना। ये जैसा आप देख रहे हैं ऐसा ही आपका चॉकलेट का बैटर होना चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ मैं एक जो और बाउल था उसमें ऐड कर लूँगी फूड कलर। ये हम बनाएंगे येलो कपकेक। ये भी हमारा रेडी हो चुका है और एक हम सिंपल ही रहने देंगे। यहाँ आपने कप ले लेने हैं जो घर में आपके मौजूद हों। इनको मैंने यहाँ कर लेना है ऑयल के साथ ग्रीस और मैदे के साथ डस्ट। ठीक है, ये आम घर के ही कप हैं, इन्हीं में हम कपकेक बनाना बताएंगे। ये बहुत ही इजी हैं। ये आप देख सकते हैं कप मेरे हो चुके हैं ग्रीस। अब 1 कप में हम ऐड करेंगे चॉकलेट वाला बैटर। और एक में मैंने यहाँ ऐड कर लिया है येलो, जो फूड कलर जिसमें ऐड किया था वो।
और एक में सादा ही हम ऐड करेंगे। बाकी जो आपका बैटर बच जाए आप अपनी मर्ज़ी से भी जिस मर्ज़ी शेप के कपकेक बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। एक में आपको फ्लावर वाला बनाना बताऊंगी। ये देखिए आपने क्या करना है कि पहले आपने नीचे सादा बैटर, उसके ऊपर चॉकलेट की एक लेयर और फिर सादा बैटर ऐड करके यूँ आपने चॉकलेट का एक फ्लावर बना लेना है। ये भी बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। आप देख लीजिएगा अभी ये फ्लावर बन के हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये लीजिए, ये आप लुक देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने अपनी जो मेरा दिल किया मैंने उस हिसाब से यहाँ चार कपकेक आपको दिखा दिए हैं। एक में मैंने येलो और चॉकलेट ऐड कर लिया है, एक सादा बना लिया, एक चॉकलेट वाला और एक फ्लावर वाला। आप अपनी मर्ज़ी से जो उसे मर्ज़ी बना सकते हैं। यहाँ हमने माइक्रोवेव में बनाने हैं तो कप मैंने माइक्रोवेव में जोड़ दिए हैं। अब हम लगाएंगे इसको 2 से 3 मिनट के लिए बेक होने के लिए। तो ये लीजिए हमारे कपकेक रेडी हो गए हैं। आपने ओवन से निकालने के बाद इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद आपने इनको प्लेट्स में निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे कपकेक बने हैं। तो इनको मैं जिस चीज़ से डेकोरेट करूँगी उनमें मैंने छोटी बड़ी बंटियाँ ली हैं, जेलियाँ ली हैं और बादाम लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से भी इनको जिस मर्ज़ी चीज़ से सर्व कर सकते हैं। तो ये लीजिए गाइस, मेरे मिनी कपकेक्स बनके रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं और बच्चे ज़रूर इसको पसंद करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।